सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आज 28 फरवरी 2023 महीने का लास्ट डे है। आज 28 का महीना ये, और मौसम बहुत ही सही है। सुबह सुबह हम लोग उठ गए हैं, अपने खेत में आए हैं। मेरे साथ छोटू है, उधर गोल्डी है, मतलब मेरे साथ ही है, वो भी पीछे घूम रहा है। हम लोग आए थे स्पेशली अपना गेहूँ देखने के लिए, क्योंकि गेहूँ हमारा ये है, हमारे पीछे बहुत ही प्यारा लग रहा है, क्योंकि सारा फूट गया गेहूँ मेरा सारा। इधर पूरा पूरा खेत में बाल निकल गया है एकदम, अब इसमें कोई बचा नहीं है। और ये नीचे वाला है, नीचे वाले में निकल रहा है, मतलब इस वाले से ये वाला खाल है, ठीक है। तो और इसमें सरसों भी है, तो इस वाले में भी फूट रहा है। उधर तो फूट गया है मतलब, लेकिन अभी इधर बहुत बाकी है, इसमें फूट रहा है। मुझे लग रहा है 4-5 दिनों में ये भी पूरा फूट जाएगा। और मौसम बहुत सही है, हम लोग घूम रहे हैं पीछे आकर के। अभी घर में थे, मतलब सुबह से तो कहीं गए नहीं, तो सुबह सुबह आए हैं बाहर अपने, सोचे खेत को देख लेते, क्योंकि काफ़ी दिनों से बहुत बिजी था, देखा उखा नहीं था, आया नहीं था इधर। बाबा का आँख बनवाना, एग्ज़ाम पड़ गया था इसी में, तो घर ही पे था, बस उधर ही सुधरी इधर ही उधर होता रहता था, पीछे आने का मौका नहीं मिलता था। आज फाइनली घर पे थे, तो सोचे चलते हैं खेत देखते हैं। वैसे छत पे से दिखता था, लेकिन आए हैं थोड़ा देखें पास से, घूमते हैं। मौसम बहुत सही है, शीत गिरा हुआ है और धूप निकल गया है। अभी टाइम हो रहा है 8:30, 8:00 मतलब 20 मिनट हो रहा है, 8:30 होने जा रहा है। तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो अभी टाइम हो रहा है 4:13 हो रहा है, और मैं नहा आकर मतलब फ्रेश हो गया हूँ, अभी तैयार नहीं हुआ हूँ, जा रहा हूँ तैयार होने। आज जाना है हमें एक और नेवता में, जो कि कल गए थे हम लोग शादी में, तो लड़की की शादी था तो कल गए थे, आज जाना है, तिलक है लड़के का, तो वहाँ पर जाना है। तो मैं तो नहा आकर मतलब फ्रेश हो गया हूँ, अभी नहा के जस्ट आ ही रहा हूँ, और वहाँ से फ़ोन आ रहा है कि जल्दी आइए जल्दी आइए, क्योंकि मतलब वो वहाँ पे ज़रूरी है इसलिए जाना है। गोल्डी नहा रहा है, वो नहा के जैसे ही आ रहा है फिर अब वो तैयार होगा, फिर निकलते हैं। मेरा तो बस सब कुछ हो ही गया लगभग, सिर्फ कपड़ा पहनना है, कपड़ा पहनेंगे उसके बाद से परफ्यूम वर्फ्यूम मारेंगे फिर निकलेंगे। और गोल्डी नहा लिया है, वो भी अब शायद आ ही रहा है, तो नल पे है, नहा रहा है, उसके बाद आएगा तो फिर हम लोग जाएंगे। अभी 4 बज रहा है और जाएंगे लगभग 5:30 हो जाएगा हमको जाते जाते वहाँ पे। तो चलिए चलते हैं और मिलाते हैं आप लोगों को वहाँ तिलक में, देखते हैं रास्ते में दिखाएंगे आपको, तो बने रहना वीडियो में। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब। सुबह से हम कहीं गए नहीं थे, घर ही पे थे, इसलिए ज़्यादा कुछ ब्लॉग बनाया नहीं। हम लोग आपस में मस्ती मोबाइल वोबाइल चला रहे थे, फिर ऐसी बातचीत हो रही थी। फिलहाल कोई वीडियो नहीं बनाया, अभी बना रहा हूँ, क्योंकि जाना है तिलक में और आज ही जाना है, अभी जाना है। तो नहा के आ रहा है, मैं नहा लिया हूँ, मैं कपड़े पहनने जा रहा हूँ, तो मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में। तो गाइस हम रेडी हो गए हैं, वही शर्ट वही पैंट पहन के जाएंगे अब, फाइनली रेडी हो गए। आज का लुक कुछ ऐसा है, अभी शर्ट इन करना है, इन नहीं किया हूँ क्योंकि ऐसे अच्छा नहीं लग रहा मुझे, ठीक है। और ये भाई साहब इधर पर्दा उर्दा पहन रहे हैं, गरीब गरीब इंसान है भाई, कुछ दाय करो। जारा का पहन रहा है, जारा का, ये देख रहे हो ब्रांड है भाई। मैं तो चलो रेडी होते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से, मैं थोड़ा इन कर लूँ हटना। तेरी झलक शर्फी श्रीवल्ली, बुशर्ट पहन के खाई के बीड़ा पर, पूरे रायपुर से अलग है सैया जी के चाल, ससुराल गेंदा फूल। मूवी का नाम है दिल्ली, देखना है उसे। अभिषेक बच्चन का है गाना, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है ये वाला, देखा नहीं वो फिल्म, आज ही पता चला कि इस मूवी का नाम है दिल्ली, ठीक है। 2009 में का शायद बना हुआ है, तो डाउनलोड करूँगा और देखेंगे अभी तो। सो गाइस हम रेडी हो गए हैं, तैयार हो गए हैं, आँख में वो पड़े ना लाही, इसलिए चश्मा लगा लिए हैं, मैं ब्लैक लगाया हूँ, मेरे भाई साहब रेड लगाए हैं, और हम रेडी हो गए हैं, फाइनली निकल रहे हैं यहाँ से, गाड़ी पे बैठ गए हैं। पता नहीं गाड़ी पूछा है कि नहीं पूछा है, हाँ पूछा हूँ गाड़ी। Thank you.
सो आज हम आ गए यहाँ पे बारात में, शादी में जहाँ पहुँचना था हम लोग पहुँच गए। आयु एक घंटा हो गया है और यहाँ पे हम लोग बैठे हैं, पानी वानी पी लिए हैं। ये हमारे मामा हैं दोनों लोग, और ये भी हमारे मामा हैं, और इनको तो आप लोग देख ही रहे हैं, हमारे साथी हैं तभी से। और ये बुक है यहाँ पे, न्योता हम लिख रहे हैं। और ये सिस्टम है यहाँ का, खाना खाने की व्यवस्था उधर है। हम लोग बैठे हैं यहाँ पे, बस अभी कुछ भीड़ और नहीं है। ये दोनों लोग मामा हैं हमारे, ये भी हमारे मामा हैं, और ये हमारे भाई हैं, और हमें हमको तो जानते ही। तो गाइस मैं न्योता लिख रहा था और तिलक चढ़ रहा है, इसका आवाज़ माइक में हमें सुनाई दिया, मतलब वहाँ तक सुनाई दे रहा है। थोड़े दूरी पे है न्योता, जहाँ लिखा रहे खाने पीने की व्यवस्था है वहीं पे। तो हम सोचे चलते हैं और वीडियो थोड़ा बना के आते हैं, फिर बाकी का जो बचा है उन लोगों का लिख देंगे। तो बस ये आए हैं आप लोग को दिखाने के लिए थोड़े टाइम के लिए, वीडियो बना करके फिर हम जाएंगे। ये लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे, और ये सारा सामान मिला हुआ है यहाँ पे। दूल्हा है, मतलब इन्हीं का तिलक आया हुआ है, तिलक चढ़ रहा है। और बस यही सीन है यहाँ का, काफ़ी भीड़ है, मतलब बहुत लोग आए, और बहुत सारा सामान आया था। हम लोग जब पहुँचे थे यहाँ पे उसी टाइम सामान आ गया था, ट्रक में सामान आया था, काफ़ी कुछ है सारा चीज़ें। ये बाइक जो दिख रही है स्प्लेंडर प्लस, ये वाली मिली है, और ये डीजे बुकिंग हुआ था बजाने के लिए, और वो वाली बाइक मिली है। और ये घर और जितना है बगल में सब सजाया गया था, और बहुत सारे सामान हैं जैसे कि आप लोग ये देख सकते हो, सिलाई मशीन है, बेड है, ये सब साइड में रखे हुए हैं वहाँ पे से। थोड़ा सा जगह नहीं था वहाँ पे ज़्यादा। ये अलमीरा है, वो सिंगरदानी है, ये सारा चीज़ उसी का है। तो बस यही है। सो गाइज हम लोग फाइनली आए थे शादी में, तिलक में, यहाँ से हम लोग निकल गए हैं। न्योता उल्ता लिखना था, लिखे हुए, और जो भी खाना पीना था खा लिए। अभी 11 बज रहे हैं, अब हम लोग जा रहे हैं, वहाँ से निकल गए हैं। रास्ते में रुक गए हैं थोड़ा सा, मतलब घर से थोड़ा दूर, और जैकेट भी डिक्की में था निकाल के पहनने के लिए। भाई हैं मेरे, ये मेरे साथ जाएंगे, हुडी पहन लिए हैं, मैं भी जैकेट पहन लिया हूँ, और ये गमछी लेकर आए थे कान बांधने के लिए, क्योंकि हेलमेट नहीं लाए थे इसकी वजह से। तो फाइनली अब जा रहे हैं घर, गाड़ी हमारी इधर लगी है, और वहाँ से निकल गए हैं। तो सोचे आप लोगों को बताते हैं, तो चलिए घर पे चल के मिलते हैं। सुबह 11:39 हो रहा है, और हम आ गए हैं घर पे, पहुँच गए हैं फाइनली। और कपड़ा खुद चेंज करेंगे, फिर अब सोएंगे, उसके बाद से नींद भी लग रहा है, आँख भपा रहा है मेरे थोड़ा थोड़ा। तो बस सीन यही है। सोनी पार हमरे गांव घर वाला लगा हुआ ने, सोनी पार मेरे घर के पास है। जोन की कई बार आयल गई बड़ा लोग, जोन की तो लोग हमेशा उन्हें आयल गई बा। बाग हमने के मैप लगा उन्हें जब बिशनपुरा के सीधे। सुबह हम लोग घर पे आ गए हैं, और कपड़ा पड़ा निकाल के फ्रेश व्रेश हो गए हैं, और बस सीन यही है। गए थे हम लोग वहाँ पे शादी में, तिलक था वहाँ पे, एक ही बार 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 बता रहा हूँ मैं, तिलक था वहाँ पे, गए थे वहीं पे, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं, तिलक उलक चढ़ गया। न्योता उतर लिखना था, मैं लिखा, लिख के फिर उनको हिसाब वसाब, मतलब पैसे का कितना मिला कितना नहीं सब दे करके उनको हम लोग आ गए घर। उनके घर भी अब सब लोग चले गए इसी टाइम, क्योंकि पास ही में था जिन लोग का, ज़्यादातर सब लोग पास ही गए थे, चले गए। हम लोग भी आ गए घर, कपड़ा वपड़ा चेंज कर लिया, और शादी है शायद 5 तारीख को, तो देखो इनको बुलाए हैं लोग, क्योंकि इन्हीं को ऐसे मैं गया था, मेरा तो वहाँ कोई रिलेशन नहीं है, और ना मुझे इनवाइट किया गया था। ये मेरे घर हैं बुआ के लड़के, जिनको इनवाइट किया गया था, तो मैं अपनी गाड़ी से, मतलब दोनों लोग साथ में गए थे, भाई भाई,
घूमने के लिए, बस इसी ने यही था। लेकिन बाकी जो लोग आए थे वहाँ पे वो लोग मुझको पहचान रहे थे, लेकिन जिनके घर था उन लोगों से मेरा कोई वो नहीं था, ठीक है, इनके वजह से मैं गया था। तो बहुत ही अच्छा था, फोन आ रहा है भाई का, तो सब कुछ ठीक ठाक चल गया, अब घर पे आ गया। वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट। Yeah!